वीडियो में गाइस मैं आप लोगों को बताना लगा कि किस तरीके से गाइस आप लोग इंस्टाग्राम अकाउंट को टेम्पररी डीएक्टिवेट कर सकते हो। अगर गाइस आपके पास इंस्टाग्राम पर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर है तो आप लोग इंस्टाग्राम अकाउंट को किस तरीके से टेम्पररी डिलीट कर सकते हो पीसी के अंदर, आज की वीडियो में गाइस मैं आप लोगों को बताना लगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में गाइस आप लोगों को जानने के लिए मिलेगा कि किस तरीके से गाइस आप लोग लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में तरीके से इंस्टाग्राम अकाउंट को टेम्पररी डीएक्टिवेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। आज की वीडियो में गाइस मैं आप लोगों को बताना लगा। तो गाइस इस वीडियो को देखते रहना शुरू से लेकर लास्ट तक। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए गाइस आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर गाइस आप लोगों को सिंपल सा इंस्टाग्राम को कुछ इस तरीके से लॉग इन करना है क्रोम पर आके, एंड आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। ठीक है, अब अगर आप लोगों को ये वाला अकाउंट एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को टेम्पररी डीएक्टिवेट करके बताऊंगा। ठीक है, ये वाला अकाउंट, तो अगर गाइस आप लोगों को आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट टेम्पररी डीएक्टिवेट करना है, डिलीट करना है, तो सिंपल सा यहाँ पर आप लोगों को प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस सिंपल सा आप लोगों को एडिट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को शो होता रहेगा। जैसे आप लोग एडिट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा नीचे स्क्रोल करना है, नीचे चले जाना है। जैसे यहाँ पर आप लोग जो नीचे आ जाते हो, आपके सामने यहाँ पर शो होगा ब्लू कलर में टेम्पररी डीएक्टिवेट माई अकाउंट। सिंपल सा उसके ऊपर क्लिक करना है, एंड उसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को एक रीजन देना पड़ेगा कि भाई क्यों आप इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी एक रीजन यहाँ पर देना है। पर मैं एक रीजन दे देता हूँ, जैसे कि दिस इज टेम्पररी, आई विल बी बैक। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक रीजन दे दिया। अब यहाँ पर एक और आप लोगों को ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, ऑटोमेटिक रीएक्टिवेट माय अकाउंट इन। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर आप लोगों को डोंट ऑटो रीएक्टिवेट के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप लोग यहाँ पर कोई भी डेज सिलेक्ट कर देते हो, जैसे कि एग्जांपल के अगर 7 डेज, तो 7 डेज के बाद ऑटोमेटिकली गाइस आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट इंस्टाग्राम पर रीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा डोंट ऑटो रीएक्टिवेट के ऊपर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर सिंपल सा आप लोगों को जो पासवर्ड को एंटर करना है, तो जो भी गाइस आपका इंस्टाग्राम का पासवर्ड है वो सिंपल सा यहाँ पर एंटर करना है। तो मैं फटाफट अपना पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर देता हूँ, एंड पासवर्ड एंटर करने के बाद गाइस आप लोगों को नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर ही गाइस आप लोगों को शो होता रहेगा कि टेम्पररी डीएक्टिवेट अकाउंट ब्लू कलर में, उसके ऊपर सिंपल सा क्लिक करना है, यस के ऊपर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा वेट करना है। ठीक है, यहाँ पर लोडिंग होने तक, एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट टेम्पररी डीएक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ऊपर शो भी हो रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पर कुछ इस तरीके से लॉग इन पेज आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर गाइज आपका जो ये इंस्टाग्राम का अकाउंट है वो डीएक्टिवेट हो चुका है। अगर आप लोगों को इसे फिर रीएक्टिवेट करना है, अगर आप चाहते हो, अगर आपका माइंड बाद में चेंज होता है, अगर आप लोगों को फिर इंस्टाग्राम पर आना है, तो सिंपल सा गाइज आप लोगों को यहाँ पर आपका यूजर नेम सिंपल सा एंटर करना है, एंड यहाँ पर आप लोगों को आपका पासवर्ड जो है वो सिंपल सा एंटर करना है। ठीक है, एंड पासवर्ड एंटर करने के बाद गाइज सिंपल सा आप लोगों को लॉग इन के ऊपर क्लिक करना है, एंड फिर गाइज आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट वापिस आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से गाइस आप लोग आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को टेम्पररी डिलीट कर सकते हो पीसी के अंदर, लैपटॉप के इसमें, कंप्यूटर के इसमें, एंड इस तरीके से। ठीक है, तो मैंने गाइस आप लोगों को बता दिया कि किस तरीके से इंस्टाग्राम अकाउंट को टेम्पररी डीएक्टिवेट करते हैं पीसी के अंदर। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलता हूं मैं किसी एक और इस वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।